आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, आदरणीय प्रधानाध्यापक महोदय, उपप्रधानाध्यापक महोदय, शिक्षक गण और मेरे प्रिय भाइयों एवं बहनों, आप सभी को हमारी ओर से राधे राधे। हम कक्षा 9वीं के छात्र हैं। आज हम भारत के वीर महापुरुषों के जीवन परिचय के बारे में आप सभी को बताने जा रहे हैं। तो कृपया कर आप हमारी ध्यान पूर्वक सुने एवं समझने का प्रयास करें। अब मैं हेमंती कुमारी को महात्मा गांधी के बारे में बताने के लिए आमंत्रित करता हूं। महात्मा गांधी एक ऐसे पुरुष है जिसे पूरी दुनिया परिचित है, यहाँ तक कि बच्चे बच्चे भी उन्हें जानते हैं। एक क्रांतिकारी, राजनेता, अहिंसा के पुजारी महात्मा गांधी जी का जीवन परिचय प्रस्तुत करते हैं। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी है। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात के पोरबंदर गांव में हुआ था, जो ब्रिटिश राज्य के समय कादियावाद के लिए एक छोटी सी रियासत थी। महात्मा गांधी जी हमेशा कहते थे कि जहां जीवन है वहां प्रेम है, भगवान का कोई धर्म नहीं होता। अब मैं वाणी प्रिया बड़ाई को रानी लक्ष्मी बाई के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित कर रानी लक्ष्मी बाई का जन्म वाराणसी में 19 नवंबर 1828 को हुआ था। उनका बचपन का नाम मणिकर्णिका था, लेकिन प्यार से उन्हें मुन्नू कहा जाता था। रानी लक्ष्मी बाई के माता का नाम भागीरथी बाई और पिता का नाम मोरोपन ताबे था। रानी लक्ष्मी बाई ने स्वतंत्रता संग्राम में अपना जीवन का अंतिम बलिदान देकर जनता जनार्दन को चेतना प्रदान की और स्वतंत्रता के लिए बलिदान का संदेश दिया। झांसी की रानी के लिए कहा करते थे, वो लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। और झांसी की रानी कहा करती थी, अंतिम सांस तक किले की रक्षा करेंगे, मैं अपनी झांसी नहीं दूंगी। अब मैं कृष्णा कुमार महतो को पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 17 नवंबर 1889 को उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद नगर में हुआ था। इनके पिताजी का नाम मोतीलाल नेहरू था और माताजी का नाम स्वरूप रानी नेहरू था। इनके पिता मोतीलाल नेहरू बैरिस्टर के वकील थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की धर्मपत्नी का नाम कमला नेहरू था। पंडित जवाहरलाल नेहरू 1910 में ट्रिनिटी कॉलेज लंदन से प्राकृतिक विज्ञान पास किया। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 1920 से 1922 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय हिस्सा लिया और इस दौरान उन्हें पहली बार गिरफ्तार किए गए। कुछ महीनों बाद उन्हें रिहा कर दिया गया। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो 1924 में इलाहाबाद नगर के अध्यक्ष चुने गए और उन्होंने शहर के मुख्य अधिकारी कार्यकारी के रूप में 2 वर्ष तक सेवा की। अब मैं अमित साहू को डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के बारे में बतलाने के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का जन्म 1891 को महाराष्ट्र में हुआ था। उन्हें हमारे देश में महान व्यक्तित्व और नायक के रूप में जाने जाते हैं तथा वे काफी लाखों लोगों के प्रेरणा बन चुके हैं। उन्हें छुआछूत होने के कारण काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन वे हार नहीं माने और हमारे देश की संविधान को बनाने में अपना अहम योगदान दिए हैं। उनका योगदान सम्मानजनक है। पिछड़े हुए वर्गों के लोगों को समानता की अधिकार दिलाने के लिए वे अपने आप को देश के लिए समर्पित कर दिए। अब मैं पंडित कुमार साहू को पंडित सुभाष चंद्र बोस के बारे में बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। सुभाष चंद्र बोस
सुभाष चंद्र बोस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्होंने भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने अपने जीवन में नेताजी के नाम से प्रसिद्धता प्राप्त की। उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से अलग होकर आजाद हिंद फौज की स्थापना की जो भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनका नारा तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा देशभक्ति और संकल्प की शक्ति को प्रकट करता है। उन्होंने अपने जीवन में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए परिश्रम और समर्पण का एक उदाहरण प्रस्तुत किया। अब मैं दिनेश सिंह को सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में बताने के लिए आमंत्रित करता हूं। सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। उन्होंने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गुजरात में ही पूरी की। उनका पूरा नाम सरदार वल्लभ भाई जावेर भाई पटेल था। वह भारत के पहले गृह मंत्री और उप प्रधानमंत्री थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संरक्षण सदस्यों में से एक थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ब्रिटिश सरकार का हमेशा विरोध किया। 2014 में भारत सरकार ने उनके जन्मदिन को राष्ट्रीय एकता दिवस के रूप में घोषित किया। भारत सरकार ने उनकी प्रतिमा बनाने के लिए कुल लागत 3,000 करोड़ रुपए से अधिक खर्च किया। सरदार वल्लभ भाई पटेल स्टैच्यू 597 फीट ऊंचा है। वे हमेशा कहा करते थे मेरी एक ही इच्छा है कि भारत देश एक अच्छा उत्पादक हो और इस देश में अन्न के लिए कोई आंसू बहाता हुआ भूखा ना रहे। अब मैं हरिओम को लाल बहादुर शास्त्री जी के बारे में दो शब्द बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। लाल बहादुर शास्त्री भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के महान नेता और वीर प्रधानमंत्री थे। उन्होंने महात्मा गांधी के मार्गदर्शन और सत्याग्रह और आंदोलन में भाग लिया। शास्त्री जी का मानना था कि सभी गरीबों और मजदूरों को मुक्ति दिलाए। उन्होंने जय जवान जय किसान की नारा दी और किसानों को सैनिकों की महत्वपूर्ण भूमिका साबित की है। 1965 में पाकिस्तान के साथ हुई कारगिल युद्ध के बाद मान्यता ने देश को प्रेरित किया। अब मैं मान्यता को बाल गंगाधर तिलक के बारे में आमंत्रित करता हूँ। बाल गंगाधर तिलक बाल गंगाधर तिलक एक भारतीय राष्ट्रवादी शिक्षक समाज सुधारक वकील और एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए नए विचार रखे और अनेक कोशिश किए। अंग्रेज उन्हें भारतीय अशांति के पिता भी कहते थे। अब मैं स्वयं बड़ाई को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के लिए कुछ सब बोलने के लिए आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम सेनानी हैं और पहले भारतीय गणराज्य के राष्ट्रपति रहे। उन्होंने विशेष शिक्षा प्राप्त करके वकीली की पेशेवरी की और महात्मा गांधी के महान आदेशों का पालन करके स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया। 1947 में भारत की आज़ादी के बाद उन्होंने भारतीय संविधान का संवाददाता के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। जय जवान जय किसान उनका प्रसिद्ध नारा था। अब मैं उपेंद्र सिंह को भगत सिंह के बारे में बोलने के लिए मंच पर आमंत्रित करता हूँ।
शायद ही कोई ऐसा भारतीय होगा जो भगत सिंह को ना जानता हो। ब्रिटिशों से आजादी के लिए उनके द्वारा दिए गए बलिदान को दुनिया जानती है। देश की स्थिति ने एक होनहार बालक की मनोदशा को इस तरह बदल दिया कि अपने कार्यों से उनका नाम भारत में इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा गया। 23 वर्ष की आयु से ही देश के लिए फांसी पर झूल कर अपना बलिदान दे दिया। भगत सिंह जानते थे कि भारत में जो और भगत सिंह की आवश्यकता हो जो उनके फांसी के बाद ही पूरी हो पाएगी। थैंक यू फॉर योर लव एंड सपोर्ट। इट ऑलवेज इंस्पायर अस टू बेटर। थैंक्स अ लॉट। हैव अ गुड डे।